हेलो। तो यहाँ पे मैं अभी हरियाणा गुड़गांव में हूँ और यहाँ पे मेरे साथ जो है कुशल जी है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो वो हमें आज बताएंगे कि ऑर्गेनिक फार्म के बेसिक स्टेप, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हो तो कौन कौन से बेसिक स्टेप है। सर, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर किसी को शुरू करना, बेसिक लेवल से कोई फार्मर है, कोई खेडूत है, उसे शुरू करना है, तो क्या क्या उसको बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या क्या शुरू करना पड़ेगा, तो आप उस पर थोड़ा आपको बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले आदमी के मन में ये होना चाहिए कि मुझे इसके ऊपर पूरी तरह से फोकस करना है और बीच बीच में इसको फिर बदलना भी नहीं है। तो सबसे पहले अपनी ज़मीन की टेस्टिंग कराए, उसके सॉइल की रिपोर्ट ले और एक अच्छी लैब के अंदर जाके उसकी रिपोर्ट लेना चाहिए, ताकि उसमें जितने भी हमारे पास जो उसके एलिमेंट्स हैं, उसके जो केमिकल्स हैं, वो पूरी तरह से उसमें संपूर्ण हैं। उसमें मॉइस्चर का भी एक हमारा लेवल रखते हैं जो 7 के आसपास रहता है, उसका भी हमेशा उसमें होना चाहिए। हमारे खेतों के आसपास जो पानी है, उस पानी का भी पीएच वैल्यू, पानी कोशिश हो जाए होनी चाहिए कि पानी मीठा हो और उसकी पीएच वैल्यू भी ठीक रहना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक वैल्यू में सबसे बड़ा सपोर्ट सॉइल का और पानी का रहता है। उसकी तैयारी करें और तैयारी करने के बाद अभी आप देखिए, गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा फोकस जो किया है सब्जियों पर, फलों पर और दलहन पर फोकस किया गया है। मैंने तो अपने खेत के अंदर पहले बाजरा बोया था और सब्जियों के अंदर हमने गोभी, मूली, हमारी बहुत अच्छी पैदावार हुई। हालांकि हमने उसको टेस्ट नहीं कराया, लेकिन हमने जब लोगों को जाके उसको बताया कि हमारा ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया, हम पर उन्हें भरोसा किया, विश्वास किया। और जहां तक रेट की बात है, जो चीज़ हमको बाज़ार में केमिकल वाली कम पैसों में मिलती थी, ऑर्गेनिक के बारे में जब हमने लोगों को बताया तो उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे रेट दिए। 50 रुपये किलो के हिसाब से मैंने गोभी भी बेची, मैंने मूली का भी मतलब उसको लोगों को बेची, और लोगों ने उसका फीडबैक भी और टेस्ट के बारे में मुझे बहुत अच्छी, उन्होंने वो कहा कि सर अंकल, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और आप हमेशा हमको ये चीज़ सप्लाई करिए। वो तो बहुत ही बड़ी बात होगी कि लोग चाहते हैं कि आप हमेशा सप्लाई करिए, अच्छी क्वालिटी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए। तो सर, आप ये बता सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट, अगर मैं अगर जमीन करना चाहता हूँ सपोज, तो मेरी जमीन है, मैं ऑर्गेनिक, उसको 3 साल लगता है ऑर्गेनिक जमीन होने में, बट मैं अभी से प्लान करूँ तो हो सकता है, और जिस कौन से फलों मतलब कौन सी जो मैं बो, कौन सा बीज बो, लाइक टोमेटो उगाऊ, कौन सी चीज उगाऊ जिसमें बढ़िया मुनाफा भी है और उसकी डिमांड भी है, कौन कौन सी प्रोडक्ट उगानी चाहिए? देखिए सर, अभी हमारे देश में 2 तरह की फसल होती है। एक फसल जो हम गर्मियों में उगाते हैं, उसमें हमारे पास ज्वार, बाजरा, मक्का रहता है, और उसमें जो अगेती वाली जो सब्जियां हैं, हम वो भी उसमें लगा सकते हैं। और अभी विंटर के अंदर हमारी जो फसल चल रही है, वो सरसों की है, चने की है, गेहूं की है, गोभी की है, अगर सब्जियों की बात करें तो टमाटर है, हरी मिर्च है, धनिया है, मेथी है। हमने इनको उगाने के लिए बहुत अच्छे प्रकार के, दिल्ली से हमने बहुत एक अच्छी कंपनी है, उसके हमने बीजों का इस्तेमाल किया, और बीजों का इस्तेमाल करने से क्या होता है, जो 10% हमारा ख़राब हो जाता है बीज, उसकी हमको यहाँ पर कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं लगी, क्योंकि एक बार बीज में पैसे खर्च होते हैं, अच्छी क्वालिटी का बीज लेंगे तो हम उसकी यील्ड भी अच्छी आएगी, उसका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। कई बार लोकल दुकानदार के पास हम जाते हैं, वो हमको समझा देता है, बता देता है कि अंकल जी आप इसको ले जाओ, बहुत अच्छा बीज है, लेकिन जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो पता लगता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। 30-40% ही हमारे पास बीज जो है वो काम के आता है, बाकी सारा बीज हमारा ख़राब हो जाता है। ऑर्गेनिक में सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना है बस अपने को, बीज अच्छी क्वालिटी का लें, और जो ऑर्गेनिक के लिए जो हमारे पास खाद है, जीवामृत का है, या हमारे पास उसका जो है दवाइयों, इंसेक्टिसाइड्स को, कीड़ों को बचाने के लिए हम नीम का तेल का इस्तेमाल करते हैं, सरसों की खली हम उसके अंदर डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, गाय में हमने अपने फार्म के ऊपर हमारे पास 3-4 गाय रखी हुई हैं, उन्हीं के गोबर का हम इस्तेमाल करते हैं, हम बाहर से कोई भी चीज़ नहीं लाते। हमने वर्मी कंपोस्ट के लिए भी थोड़ा सा काम स्टार्ट किया है, हमने 3 बेड बना रखे हैं और 3 बेड से हमारे खेतों का जो काम है वो पूरा हो जाता है। जो पशु है हमारे पास गाय है, गाय का गौमूत्र भी हम इस्तेमाल करते हैं वर्मी कंपोस्ट, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर गौमूत्र के साथ साथ गाय का गोबर है वो भी इस्तेमाल करते हैं, हमको ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता। बस यही है कि समय समय पर उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल कर उसको बनाएं, और बनाने के बाद सही ढंग से उसको खेतों में डालें, तो प्रोडक्ट हमारा अच्छा होगा, क्वालिटी होगी और क्वांटिटी भी होगी। That's great। कि ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं उसका मतलब बहुत ही फायदा है, लोग लेना चाहते हैं और उसका बढ़िया दाम मिल रहा है, तो जो हमारे फार्मर है उसकी जो इनकम है डबल करनी है, जो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि 2020 तक फार्मर की इनकम डबल हो, तो कैसे हो सकती है? वो जो फार्मर की इनकम डबल ऑर्गेनिक फार्मिंग से हो सकती है, अच्छी फार्मिंग से हो सकती है, साइंटिफिक फार्मिंग से हो सकती है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप भी अपना जो ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी से शुरू कीजिए, तभी आपका काम बनेगा, तभी फार्मर जो है आगे आएगा। तो फार्मर लोग
लोग जो है और जो आप बिजनेसमैन हो तो फार्मिंग का बिजनेस भी कर सकते हो। यस हाँ, मैं उसको बढ़िया मिलता है, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़िया मिलता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑर्गेनिक चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, और ऑर्गेनिक नहीं है तो उसके एटलीस्ट इनिशियल केमिकल फ्री पेस्टिसाइड फ्री प्रोडक्ट आप बनाओ तो सबसे बढ़िया बात है। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने हमको इन्फॉर्मेशन दिया, और मैंने सर से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लिया, हनी का कैसे करना है, दूसरे दूसरे कौन से प्लांट है जो कम दाम में होते हैं और उसका जो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़िया दाम है, लोकल मार्केट में बढ़िया दाम है। मैं आपको धीरे धीरे बारी बारी पूरा आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है सपोर्ट करती है, और दूसरा है फार्मर को हमको सपोर्ट करना है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में और फार्मिंग के जो है प्रैक्टिकल तरीके हमको अपनाने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.